मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन बेटा? ओके, सो इसके पहले के क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 देखे थे. ओके, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 देखने वाले हैं. साथ साथ में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज फिलअप सॉल्व भी करनी है और हमारा वर्कबुक जो है वो फिलअप भी करते जाना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, मैथ का पेज नंबर 79. किया सभी ने? ओके, पेज नंबर 79, देन एक्सरसाइज 4.4. ओके, अब बेटा आप लोग सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, मल्टीप्लाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना? तो हमारे पास कुछ सम्स दिए हुए हैं. ओके, 12 सम्स है हमारे पास, है ना? 12 सम्स में से 6 सम्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और 6 सम्स आपको सॉल्व करने हैं बाय मल्टीप्लाइड मेथड. अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ टेबल्स यूज करने हैं, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के सम्स सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, है ना? और मैं आपको टेबल्स देती भी रहती हूँ. ओके, तो आपको टेबल्स लर्न हो गए होंगे सभी को. ओके, और अगर किसी को नहीं भी हुए हैं तो हम उसके लिए एक आसान सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और हम हमारे मल्टीप्लाई के सम्स सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें फिर. आप सब रेडी हैं, पेंसिल, इरेजर? ओके, देन 14 × 2, है ना? अब 14 × 2 मतलब 14 × 2 = कितना होता है, 14 × 2 = यस, 14 × 2 = 28, है ना? 14 × 2 = 28. अब अगर हमें 14 का टेबल नहीं आ रहा है ना, अगर हमें नहीं आ रहा है 14 का टेबल, तो हमें वहाँ पर बैठे रहना है क्या? नहीं बैठे रहना है. अब हमें उसके लिए क्या करना है, तो देखो हमें क्या करना है, 14 × 2 करना है. ओके, 2 का टेबल हमें आता है, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 2 = 2 आया 28. ये हो गया इजी. अगर हमें 14 का, 15 का या 19 का टेबल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे. ओके, देन अब नंबर 2 है, 15 × 3 = है ना? 15 × 3 = अब 15 × 3 = कितना होता है, 15 × 3 = होता है 45, है ना? 45 आता है 15 × 3 = किया सभी ने? देखो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया सभी ने, अब सेकंड, 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30 एंड 15 × 3 = 45. ओके, अगर 15 का टेबल नहीं आ रहा है तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 = 15, 15 × 5 देन कैरिड 1, 3 × 1 = 3 एंड 3 + 1 = 4, 45. आया ना? बहुत इजी है मल्टीप्लाई के प्रॉब्लम सॉल्व करना. सिर्फ इतना है कि हमें मल्टीप्लाई के सम्स अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमें टेबल्स जो है वो लर्न होने चाहिए. अब बेटा हमारा थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, 15 × 9 = है ना? क्या है, 15 × 9 = अब हमें 15 का टेबल नहीं आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, चलो 15 का टेबल नहीं आ रहा है हमें, तो हमने 9 का टेबल 15 टाइम करना है. ओके, सो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, देन वी राइट हियर 5 एंड कैरीड 4, 9 × 1 = 9 एंड 9 + 4 = 13, है ना? 9 + 4 = 13. ओके, सो 15 × 9 = 135. ओके, आ गया हमारा आंसर. बहुत इजी है,
हमें अगर अभी नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 19 का टेबल है, फिर मुझे तो 19 का टेबल आता ही नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा क्या करना है, 19 राइट करना है, 7, और चलो अब 7 का टेबल तो सभी को आता है क्योंकि हमें 2 से लेके 10 तक के टेबल्स जो है वो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम थर्ड स्टैंडर्ड में गए हैं, ओके। तो समटाइम्स जब हमें प्रॉब्लम जा रही है तो हम इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस आपको डायरेक्टली टेबल्स लर्न करके ही प्रॉब्लम्स जो है वो सम्स जो है वो सॉल्व करने हैं, ओके। अब 7 9 जार, यस 7 9 जार 63, है ना। देन बी राइट हियर 3 एंड कैरीड 6, 7 1 इज 7 एंड 7 प्लस 6 कितना आएगा, यस 13, है ना 13। इसका मीनिंग क्या हुआ, 19 7 जार 133, है ना, आएगा ना, आया सभी को करना। अब देन 12, ओके 12 6 जार करना है हमें, चलो करो 6। अब हम 6 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे, ओके 6 1 इज 6, 6 2 जार 12, वी राइट हियर 2 देन कैरीड 1, 6 1 इज 6 एंड 6 प्लस 1, यस 7 72, दैट मीन्स 12 into 6 is equal to 72, ओके। देन 15 डेज आर, अब देखो यहाँ पे 0 आया है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब भी यहाँ पर 10 रहेगा तो हमें क्या देना है, हमें डायरेक्ट 10 दे देना है और फिर इन दोनों नंबर्स 15 का 1 यहाँ जो भी नंबर दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 1 जार 15, है ना, हो गए हमारे 6 प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। अब बेटा हमें क्या करना है, हमारे 6 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, ओके। तो अब 6 के बाद में 7 8 9 10 11 एंड 12, है ना, 12 नंबर के प्रॉब्लम्स है 12 तक, तो वो 6 बाकी के जो 6 प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखने वाले हैं, है ना। तो देखो बी क्वेश्चन हमें करना है अभी, कंप्लीट द स्टार टेबल, है ना। देखो आप सभी को यहाँ पे स्टार दिख रहे हैं 2, ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्टार टेबल दिया हुआ है जो मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ है, सॉरी ग्रीन बोर्ड के ऊपर हमने बनाया हुआ है, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टार टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। तो 1 स्टार टेबल मैं आपको कंप्लीट करके दूंगी और दूसरा जो है वो आपका होमवर्क है, समझ में आया। तो अभी हमें ये स्टार टेबल कंप्लीट करना है, तो फिर से देखो 12, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का टेबल पहले राइट कर लेंगे, क्यों, क्यों हम टेबल 12 का टेबल राइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 12 दिया हुआ है, है ना। और 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है और 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ओके। तो चलो हम फिर अभी 12 का टेबल राइट डाउन करते हैं, ओके। 12 1 इज 12 12 2 जार 24 12 3 जार 36 12 4 जार 48, ओके 12 1 is 12 12 2 जार 24 12 3 जार 36 12 4 जार 48 12 5 जार 62, ट्वेल्व एट जा 84 12 1 इज 12 12 2 जार 24 12 3 जार 36 12 4 जार 48 12 5 जार 60 12 6 जार 72
12 8 जा 84, 12 9 जा, yes, 12 9 जा 108 and 12 10 जा 120. ओके, तो इस तरह से हमने 12 का टेबल रीड किया और उसे राइट भी किया, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है। तो अब हम फिलअप करेंगे 12 9 जार। अब 12 9 जार क्या आएगा, देखो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे, दिस इज 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम। यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर, यस 12, 12 एट जा 8, 9 हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर। ओके, सो 8 9 एंड 10, है ना, हमने 12 एट जा नहीं राइट किया था। ओके, अब कर लिया है 12 का टेबल हमने। ओके, सो 12 9 जार, यस 12 9 जार 108। ओके, देन 12 2 जार, यस 12 2 जार 24। देन 12 7 जार 84। देन 12 5 जार 5 कहाँ है, यहाँ है, 12 5 जार 60। देन 12 3 जार 36। ओके, समझ में आपको किस तरह से करना था, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमें क्या है, हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए। और जब भी आपको इस तरह से स्टार टेबल कंप्लीट करने के लिए आएगा, तो जो टेबल आपको दिया है आपको सबसे पहले वो टेबल राइट कर लेना है, है ना, और फिर उसके बाद में हम आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा वाला जो है स्टार टेबल, वो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14 का टेबल दिया हुआ है, है ना। तो हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर 14 6 जार 14 8 जार 14 5 जार 14 7 जार एंड 14 4 जार राइट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 14 का टेबल राइट करेंगे, और 14 का टेबल राइट करने के बाद में हम इस तरह से स्टार टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे। समझ गया सभी को। अब सी क्वेश्चन में देखो, कंप्लीट द टेबल, है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, ओके, और यहाँ दिया है 11 12 13 14 15। इसका मीनिंग क्या है कि हमें 11 से लेके 15 तक टेबल्स यहाँ पर राइट करने हैं। ओके, अब वो टेबल्स राइट करते टाइम पे हम राइट किस तरह से करेंगे, 11 1 इज 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 11 4 जार 44। इस तरह से करके हमें 11 का 12 का 13 का 14 का और 15 का भी टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। तो बेटा आज की क्लास में हमने हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट किया, और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए हमें क्या लर्न होने चाहिए, यस, हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए हमें टेबल्स जो है वो लर्न होने चाहिए, है ना। तो डेली आप 1 टेबल लर्न करो और अपने मल्टीप्लाई के प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम 4.5 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।